नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हाथ का स्वाद चैनल में। आज क्या बनने वाला है? आज बनेंगे टमाटर के पकौड़े और साथ में बनेंगे आलू चॉप, बिहार फेमस। और उसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, एकदम मजेदार लजीज चटनी, और साथ में चाय भी होगा दोस्तों, और आलू के पकौड़े भी होंगे, और बाद में जो बेसन बचेगा उसका हम आलू का पकौड़ा भी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जाने से पहले दोस्तों, देखिए वीडियो देखने से पहले इधर देखिए दोस्तों, ये भरवा टमाटर ना कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये भरवा टमाटर आप खा लेंगे ना तो मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए खेत में कितना पका पका टमाटर है, तोड़ देते हैं। ये देखिए टमाटर कितना पका हुआ है, तो हम सारा टमाटर को तोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रसीले और लाल टमाटर आ चुके हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कौन से टमाटर लेने हैं पापा? बॉम्बे टमाटर लेने हैं। अगर देसी लेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब टाइट होना चाहिए। देखो देसी टाइप का है ये। अच्छा, ये इस देसी है। हाँ। और ये है बॉम्बे। हाँ। तो ये थोड़ा टाइट होता है, अगर देसी भी है टाइट है, देखिए देसी है टाइट है। अच्छा। तो इसका भी बना सकते हैं, मतलब टाइट होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो पापा अंदर स्पेस ज्यादा मिलेगा ना, तो बड़ा पकौड़ा बनेगा। जैसे कि छोटा है तो छोटा पकौड़ा बनेगा, ये बड़ा है तो बड़ा पकौड़ा। तो फीलिंग कम होती है, मजा नहीं आता यार। फीलिंग कम हुआ तो मजा कहाँ से आएगा। तो ये देखिए हम अच्छे से धुल लेते हैं, बस ठीक है। और दोस्तों इसके साथ हम चाय बनाएंगे, और आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ऐसे भी खा लेते हैं। और इधर हम आलू उबाल लिए हैं। हाँ, तो इधर देखिए पापा ने आलू उबाल लिए हैं, तो इसको भी छील देते हैं। कितनी सीटी लगवाई पापा इसमें? सीटी नहीं लगाया, चूल्हे पे ही उबाले थे। अच्छा। तो 15 मिनट पहले बैठा दिए थे, चूल्हा पे उबल गया बढ़िया से। अगर सीटी लगवानी पड़ेगी तो कितनी सीटी लगेगी? तीन सीटी लगवा लेनी है। और आलू जो एकदम अच्छे से उबाल जाने चाहिए। देखो ना इसमें एक दो आलू कैसा किस तरह से फूटा हुआ है, देखो पूरा बढ़िया से फूट गया है, तभी तो बढ़िया से मैश होगा ये। और यहाँ पर हम सब कुछ धुल ले रहे हैं। इधर अंजलि आलू छील रही है, तो उसमें हम मसाला क्या डालेंगे? तो देखिए हम 1 टीस्पून जीरा लिए हैं, यहाँ पे 20 गोल मिर्च लिए हैं, और यहीं पे एक छोटा सा गांठ लहसुन का, इसको भी छील दिए हैं। ये सारा मसालों को हम पीसेंगे। इसमें हम धनिया पत्ता भी डालेंगे, और हरी मिर्च आप चाहें तो इसमें पीस के डाल दें या काट के डाल दें, दोनों तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया टमाटर के स्टफिंग का। अब टमाटर को देख लेते हैं, अगर बड़ा टमाटर देंगे तो बड़ा पकौड़ा बनेगा, छोटा टमाटर देंगे तो छोटा पकौड़ा बनेगा। तो इसको काटने का तरीका देख लीजिए, इसको इतना नज़दीक से नहीं काटेंगे, थोड़ा दूर से काटेंगे। जब दूर से काटेंगे तभी इसमें ये वाला जगह मिल पाएगा पूरा। तो इसको हम अंदर अंदर का ये जितना भी बीज है इसमें या गुद्दा है वो सारा निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल के एक जगह रख देंगे। इसका हम बनाएंगे चटनी, ये वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप चटनी नहीं बनाते हैं तो आप इसका सब्जी में ग्रेवी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये 20 टमाटर पूरा आ गया हमारा, और ये देखिए टमाटर हमारा बिल्कुल हो गया है खोखला, दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग आलू का। इसको बढ़िया से एकदम साफ़ कर दें, अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तो कोई बात नहीं है, इसमें आलू कम जाएगा तो इसको रख देंगे। अब अगर हम छोटा टमाटर लेते हैं तो भी इसको हमें दूर से ही काटना है, नज़दीक से काटेंगे। आपको एक नज़दीक से भी काट के दिखाते हैं। जितना ऊपर का गुद्दा छोड़ देना है, ऊपर का, अंदर का बीज और गुद्दा निकाल देना है इस तरह से, देखिए। और एक बार दोबारा चाकू लगा के, चम्मच से भी हो जाता है ये, चाकू से भी हो जाता है। तो देखिए ये भी खाली हो गया। अगर हम टमाटर को ऊपर से यहीं से काट देते हैं तो ये इसका बनेगा ही नहीं, तो इसको हमें दूर से काटना ही पड़ेगा। तो दूर से काटें, और इसी तरह से हम सारा टमाटर को अंदर से बीज और जितना गुद्दा है वो निकाल देंगे। और जो इसमें हल्का फुल्का ये रहे, ये वाला है पीछे का हिस्सा, इसको हम छांट देंगे इस तरह से। जितना हमारा अंदर से हम गुद्दा और बीज निकाल रहे हैं ये चटनी के काम में आ जाएगा, और इधर जो निकाल कर रखेंगे वो पकौड़े के काम में आ जाएगा। तो सारा इसी तरह से हम खाली कर देते हैं। तो फिर पकौड़े बनेंगे हमारे। और यहाँ पर कौन आ गया है? यहाँ पर एंट्री हो गई, आओ मम्मी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
और क्या बना रहे हैं मम्मी आज? पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जी? आज बना रहे हैं टमाटर का पकौड़ा। किसके लिए? अपने लिए और किसके लिए? कहेगी तो तेरे लिए बनाऊंगा। तो बोल दो कि तेरा खाती। झूठ क्यों बोल दो भाई, झूठ नहीं बोलता। 100 रुपए दे दो मम्मी पापा। हम आके आलू उबाले, हम आके बेसन घोले और इनको बोल दो। हमारे पति ना हो ना, पति यही तेरा मतलब कि तू सुता रहू, हम बना के दी तरह के पति यही तो। पंडित जी का कह ले रहे हूं, जब या करे कोई रेवती है का कह ले रहे हूं कि जन जन मेरा रे कोई तन तन मनी है। हां तो जन जन मेरा रे कोई तन मने, हम जन को हम तो ना मनी है तू। पत्नी के कबो कष्ट मत दिया, 7 जन्म तक साथ नहीं भैया। एक जन्म के पता नहीं के, 1 साल के पता नहीं के, तेरा 7 जन्म के। उनका पंडित जी को बॉन्ड दिखवा दे बड़े। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे टमाटर ऐसे कटते जा रहे हैं, यहाँ पर मम्मी पापा को मना रही हैं कि अच्छे से बनाना। हाँ ये मसाला पीस दो। तो बोल रहे हैं कि मेरे लिए नहीं बना रहे हैं। चूल्हा जलाओ, चल तुम्हारे लिए बना, चूल्हा जलाओ। चलो हाँ आपके लिए मम्मी। तो हरी मिर्च और ये सब मसाला हम पीस लेते हैं। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे लहसुन, गोल मिर्च, जीरा और हरी मिर्च। पीस के डाले, ज़्यादा स्वाद आता है, आपको तो पता ही है। स्वाद के लिए कुछ भी कर। ये देखिए कितना बढ़िया पिस रहा है। क्या कर रहे हो मम्मी? जलाएंगे, लकड़ियाँ सूख नहीं रहा तो लकड़ी चूल्हे पर इस तरीके से रखा हुआ है। तो हम गांव में ऐसे ही करते हैं, जब लकड़ियाँ सूखती नहीं है तो जब चूल्हा जल जाता है ना, या एक दिन जब हमने पिछली मतलब प्रीवियस टाइम जलाया होता है इससे पिछली बार, तब इस पर लकड़ी रख के चले जाते हैं कि जिससे सूख जाए। लकड़ी काफ़ी हद तक सूख गई है और पापा ने आलू उबाले थे ना। बरसात का टाइम है दोस्तों, आज थोड़ी मौसम, आज थोड़ा मौसम गर्म है। और जो भाई अनीता जी हैं वो चूल्हा जलाने के एक्सपर्ट है। मम्मी कितने सालों से चूल्हा जला रहे हो आप? 30 साल हैं? 35 साल हैं? 5-6 साल बढ़ाते जा रहे हो? 40 साल वो तेरी तो। अभी तो मम्मी आप अपने अभी एज रिवील नहीं करेंगे यार, अभी गलती हो जाती, एज रिवील कर देते आपकी। और हाँ दोस्तों, मम्मी का बर्थडे आने वाला है। मम्मी बर्थडे आने वाला है ना, मम्मी इधर देखो तो बर्थडे आने वाला है ना, केक कटेगा बड़ा सा। नहीं खे तो कोई नहीं, मत तोड़ो देखो तो मम्मी आपको चोट लग जाएगी। मम्मी चलो डाल लो इसमें ऐसे ही। और अंजलि भाई का मसाला पीस गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी एक और बार पीसेगा, एक और बार। मीडियम लार्ज मम्मी से कुछ। मम्मी कढ़ाई कौन सी चाहिए? काली वाली। काली वाली तो भाई है जो मेरे जैसी काली है। अच्छा मीडियम लार्ज मतलब मोटी चाहिए पतली चाहिए कि बीच की चाहिए? पतली वाली। पतली दे दे भाई, अब इसमें थोड़ा जुगाड़ डालना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, ये है रिफाइन तेल। अच्छा ये चीज ये चलेगी? हाँ बेटा चलेगी, ये ले आओ। यहाँ मम्मी ने थोड़ा सा डाला है मट्टी तेल, चूल्हा नहीं जलता तो डालना पड़ता है। यहाँ पे चूल्हा जल चुका है और कढ़ाई आ गई है धुल के। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पापा अपना सारा काम कर चुके हैं, जैसे कि टमाटरों को बहुत अच्छे से खोखला कर रहा है, देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, कुछ अलग सा ही लग रहा है ना। हाँ फूल जैसे। हाँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलू मैश किए जा रहे हैं। और इसकी आप ना लाल चटनी भी बना सकते हैं और हरी चटनी भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं ना पापा। हाँ इसमें अगर हरी मिर्च और लहसुन डाल के बनाते हैं तो हरी चटनी बन गई, धनिया भी डाल सकते हैं। और अगर मीठी चटनी बनाना है तो गुड़ डाल के बनाएंगे, जीरा तो पापा के चैनल पर तड़का मार दें। तो पापा के चैनल पर दोनों चीज़ें अपलोड है, लाला जी के ढाबे पर आप जाके दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी मिर्च डालूं पापा इसमें? 5-6 डाल दो। यहाँ पर इसमें हम हरी मिर्च डाल ले रहे हैं, लहसुन ले आती हूँ, लहसुन ले आते हैं, प्याज डालना इसी में डाल काट दो। ये देखिए हमने यहाँ पे लहसुन टांग रखे हैं। और मम्मी यहाँ पे चूल्हे को बुझ गया है, चूल्हा जल भी गया चूल्हा दोबारा से। तो मम्मी आग जला रही है उधर और पापा इधर प्याज काट लेते हैं। और ये प्याज किस लिए कट रहा है पापा? अरे वो जो फिलिंग बनाएंगे ना टमाटर का, तो उसको उसमें डालते हैं तो टेस्टी होता है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टमाटर है ना
इसी की फिलिंग में जाता है जब आलू के साथ ही जब भूनेंगे आलू को तो बड़ा मस्त स्वाद आता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्याज जरूर डालें। हाँ नहीं, कितने लोग प्याज नहीं खाते हैं। नहीं खाते तो दोस्तों अलग बात है। हरी मिर्च जीरा का तड़का मार के इसका फिलिंग बना सकते हैं। तो जो टमाटर में फिलिंग भरते हैं ना, अगर वो फिलिंग बच जाए तो आलू चॉप बना लीजिए, आलू का पराठा बना लीजिए, बड़ी मजा आता है खाने में। तो मम्मी यार मुझे आलू चॉप बढ़िया लगता है। मम्मी आलू चॉप बना दूंगी। दोस्तों हमारे बिहार में आलू चॉप बहुत ज्यादा फेमस है, है ना? तो भाई हम आलू चॉप बनाएंगे यार। आलू के पराठे तो मैं खाता रहता हूँ, आलू के पराठे ही बढ़िया लगते हैं और आलू चॉप भी बहुत बढ़िया लगते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए मम्मी ने चूल्हा जला रहे हैं बहुत मेहनत के बाद, और यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डाल ले रहे हैं, सरसों का तेल है ना। हाँ। तो हम ज़्यादातर खाने में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तेल गर्म हो गया है दोस्तों, यहीं पे प्याज भी लेते हैं जी, जीरा डाल देंगे और दो तीन गो लाल मिर्चाई तोड़ के डालेंगे, फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पे हमने डाला है क्यूमिन सीड्स और रेड चिल्ली। ये देखो दोस्तों ऐसे प्याज उठाए और डाल दिए। तो प्याज को ना अच्छा से भून लेंगे दोस्तों। और इधर तो प्याज भून रहा है और उधर क्या हो रहा है? चटनी पीस रही हूं। अच्छा, उधर बन रही है टमाटर के लिए, टमाटर के पकौड़े के लिए स्पेशल चटनी। वो भी खुद ही टमाटर से बन जाती है। वही ले पाएगा जो टमाटर के पकोड़े बनाएगा, जो टमाटर के पकोड़े बनाएगा और सिलवट पर बनाएगा। मिक्सर जार, मिक्सर में मजा नहीं आता। और भाई देखो इतना सारा टमाटर पीसना है, पीसने के बाद दिखा देंगे ना क्या क्या डाला है इंग्लिश में, बस वही तो लहसुन और जो लहसुन और हरी मिर्च। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्याज कितना बढ़िया लाल हो गया है भुजा के। ये जो मसाला अंजलि पीसी है तो इसी में डाल लेंगे। तड़का तो बड़ा खतरनाक लगा है। अब ये जो आलू है इसको डालना है हम लोगों को। ये मैश्ड आलू है। तो सभी आलू को हम डाल लेंगे, है ना मम्मी? इंग्लिश में क्या कहते हैं मम्मी? मैश्ड बॉल पोटैटो। हाँ भाई मम्मी क्या बात है, आप तो सीख गए मम्मी। और इसको अच्छे से भूनेंगे इसके साथ। अब यहीं पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये है लाल मिर्चाई 1 चम्मच, ये है भैया धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब बाद में नूनवा डाल देवे के बाद। नून मतलब नमक होता है और सॉल्ट। हाँ। कॉमन सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम भुनाई करेंगे। आलू को अच्छे तरीके से भूनेंगे, 2-4 मिनट लगेगा भूनते हुए दोस्तों। और भून भून के एकदम से अच्छे से रंगा कर लेंगे हम, लाल कर लेंगे। हाँ तो बढ़िया से भून लेंगे तभी जाकर टेस्ट अच्छा आएगा टमाटर का पकौड़ा में। सॉर्टे वेरी वेल। हाँ इसका आप आलू चॉप भी बनाइएगा ना। हाँ। खाते ही रह जाइएगा, बिहार का फेमस आलू चॉप, बहुत मजा आता है दोस्तों खाने में टमाटर की चटनी के साथ। अब बिहार का एक फेमस गाना सुना देती हूँ मैं आपको। सुनाओ। सुनाओ। मच्छरदानी किंदी राजा जी मच्छर काटता। हाँ अभी रुको, सुन तनिक रुक तालने में दे। हाँ मच्छरदानी किंदी राजा जी मच्छर काटता, हमारो के काटता वे रहुओ के काटता। हमरा कोनो बात नहीं खेबा। चलो एक घोल बना देते हैं इसका। अच्छा तो भाई दोस्तों इधर बेसन लिया है, इसे ग्राम फ्लोर कहते हैं। और यहीं पे ये चावल का आटा है 1-2 चम्मच इसमें डाल देंगे, थोड़ा क्रिस्पी ज़्यादा हो जाता है। राइस फ्लोर, हाँ इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा उधर से अंजलि जी नमक और हल्दी दे दियो। और इधर हम डालेंगे हल्का सा सोडा, डालते हैं हल्का सा ना, फूलता है बढ़िया। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 पिंच।
ये हमारा बेकिंग सोडा है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। हाँ, इसको इसी में डाल देते हैं, मीठा सोडा खाने वाला सोडा। और बेसन के हिसाब से नमक डाल देंगे, क्योंकि फ्रीजिंग में नमक डाला गया है। और यहीं पर थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे एक टीस्पून, क्योंकि कलर बढ़िया आ जाता है। अब इसको बढ़िया से, और ज़्यादा पतला नहीं घोलना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक मोटा घोल तैयार करना है। अगर पतला कर दिए तो टमाटर पर कोटिंग नहीं चढ़ेगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया सा घोल बना देते हैं। इसको जब कंसिस्टेंसी होगी मैं आपको दिखा दूंगा कितना मोटा कितना पतला होना चाहिए। अगर पापा को बना लेने देते हैं इस चटनी में पीस। और भाई चटनी देखो अंजलि ने कितनी सही पीसी है यार। इसको अपना पकौड़े के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, नमक डाल के, और आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल के खा सकते हैं। कितना लोग बोलते हैं सरसों का तेल नहीं डाल के, तो ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खाली नमक डाल के भी खा सकते हैं। अच्छा, चटनी में? चटनी में यहाँ पे नमक डाल लिया हमने, और यहाँ पे थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे, इससे बढ़िया लगता है सरसों का तेल। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, चाहे बेशक थोड़े से ट्राई कीजिए। कच्चा तेल है। तो ये देखिए हमारा टमाटर के लिए बेसन का घोल बन के तैयार हो गया है। ये मोटा ही रहेगा। अब चलते हैं टमाटर के पकोड़े बना दे रहे। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा हम आलू को भून के लाल कर लिया, इस तरीके से लाल चित्ती आ गया है। देखिए, देख पा रहे होंगे इस तरीके से ना, आपको भी भूज के तैयार करना है आलू। जितना भूजिएगा अच्छा से, देखिए कैसे भुनाया है। देखिए ये देखिए, दिखा? धनिया पत्ता डाल लेते हैं यहाँ पे हम खूब सारा, और यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे, मिला के निकाल लेती हूँ। हाँ, मिला लेती हूँ दोस्तों। उसके बाद निकाल के धोर लूंगी छीपा में चाहे कटरा में, और इसको ठंडा करना पड़ता है। हाँ, बिना ठंडा करे ना डाले ना पापा, भरने के लिए थोड़ा सा ठंडा तो होना चाहिए, तभी तो भरेंगे। इसको आप सरसों तेल में ही बना सकते हैं, और रिफाइन के तेल में ही बना सकते हैं, जिसमें आपको डालना है। ये अभी हमने रिफाइन ऑयल डाला है, अब इसमें सरसों का भी तेल, ये हम डाल देंगे सरसों का तेल। वैसे पकौड़ा सरसों का तेल का बहुत बढ़िया बनता है। जो हम टमाटर काट रखे हैं उसमें फ्रीजिंग भरेंगे। तो देखिए टमाटर बहुत तरह का है, देसी टमाटर भी है, बड़ा भी टमाटर है, छोटा भी टमाटर है। तो आप सबसे पहले आपको देसी भर के दिखाता हूँ। इसी में इसको डालना है और इसको दबा देना है। तो इसको हम भर देंगे, लेकिन भरेंगे उतना ही जिसका इसका जो किनारा है इससे नीचे रहना चाहिए, मतलब ऐसे इतना थोड़ा नीचे ही रखेंगे, ऊपर नहीं दे जाएंगे आलू को। ये ध्यान रखना है बेसन चिपक सके, हाँ, कि इसका भी एक लेयर बेसन का बन सके। अब देख सकते हैं ना आप, ये टमाटर के ऊपर इसका लेयर नहीं होना चाहिए, बस इसी तरह से। ठीक है, अब इसको बड़ा को भी भर देते हैं इसी तरह। हम भी सीख गए, अब हम भी भरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीख गए तो लीजिए, आई धनिया पत्ता डाल दीजिए वेटर में और फटाफट तलिएगा। यहाँ पे सब लोग मिलके भर रहे हैं। इसको दबा देना है अंदर तक कि बढ़िया से फिलिंग टाइट हो जाए। और बस इसको अंदर से नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं जाना चाहिए टमाटर के लाइन से, ऊपर नहीं जाए। देख रहे हो ये जो, देखो ये बराबर रहे, नहीं तो नीचे रहे। और थोड़ा ऊपर कर दो हल्का सा, कोई मिर्ची का डाल पड़ता है, कस कस के भरा सा इसमें दबने। हाँ, इसमें दबा दबा के अपना देख लेना, यूज नहीं रहना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही अपने घर के सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाए, बड़ा मज़ा आता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, और लगता भी नहीं कि किसी ने कोई ज़्यादा काम किया है ना। इतनी भाई दो टमाटर भरेंगे तो 10 टमाटर भर गया। ऐसे 10 टमाटर को अकेला भरेगा ना तो वो आधा घंटा का काम है। ऐसे कोई अगर 10 टमाटर अकेले भरेगा ना तो कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे ना पापा। अभी देखो भर भी गया, लो देखो भर गया दोस्तों, दिखा दे दिखा दे, मैं पूरा भर गया। तो आप देख सकते कितना आसान हो जाता है बनाना। मेरा तो भाई एक ही नहीं भर रहा, ललित बिगनर है भाई सबसे ज्यादा। तो तुम अंजलि एक्सपर्ट है और पापा एक्सट्रीम लेवल पे हैं। ये बनाते नहीं, आपका तो हमें लेवल ही अलग है। आप तो देख के ही भर देती हूँ आँख से ही, आपको तो आने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही भर गया। देखो आपके पास लेबर इतनी अच्छी है, ठीक है। आप ठेकेदार, मतलब आप मालिक हो ना इसकी, यहाँ की ठेकेदार हो आप। मम्मी फिर आप डिप करके शुरू कर दो डालना, फिर इसका आलू चॉप भी बनाना है। देखिये दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए ये सबसे बड़ा वाला है ना, ये सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा है ना? नहीं, ये सबसे छोटा है मेरे ख्याल से, ये सबसे छोटा है। ये देखिए दोस्तों टमाटर के पकौड़े, या टमाटर चॉप भी कह सकते हैं। अभी फिलिंग इसकी तैयार हो गई है भर के, अभी इसको करेंगे हम कोटिंग। तो दोस्तों हमने टमाटर के भरवे या टमाटर के पकौड़े भर लिए हैं, भर लिए हैं। अब ये जो आलू बचा हुआ है तो आप इसका
आलू चप बना सकते हैं। तो पहले हम आलू चप भी बना ले रहे हैं। आलू चप का डिजाइन जिस तरह का देना चाहे, ऐसे चपटा भी आप दे सकते हैं, इस तरह से डिजाइन भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं। तो आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे खाते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप चपटा बनाएं। चपटा बनाएंगे तो आपको पकाने में कम टाइम लगेगा ना पापा। आलू तो पके हुए हैं, आलू पके हुए हैं और चपटे क्रिस्पी होते हैं। हाँ बस इसी चीज के। तो देखिए बेसन के जो घोल हम बनाए थे, बेसन का जो घोल बनाया था उसमें धनिया पत्ता भी हम डाल दिया और तेल हमारा गर्म हो गया है, और आलू चॉप और टमाटर दोनों बन के रेडी है। तो आप मतलब चाहे तो पहले चॉप बना ले या आलू का पकौड़े बना ले, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। पहले तो बेसन को एक बार ऐसे इस तरह से मिला दे, चारों तरफ धनिया चला जाए और इसमें डालें, डीप करें और इसमें से ऐसे निकाल दें, जितना बेसन एक्स्ट्रा हो ऐसे निकाल दें, झाड़ के फिर हाथ घुमाएं और फिर इसमें डाल दें। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको बेसन को झाड़ देना होता है, नहीं तो कढ़ाई में बूंदी ज़्यादा हो जाएगा, फिर रायता भी बनाना पड़ेगा आपको। पर ये देखिए दोस्तों, एक भी बूंदी नहीं छन रही है। इसे कहते हैं भाई लाला जी का ये है क्या एक्सपीरियंस। नहीं बूंदी एक दो तो आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, एक दो आ जाता है, एक दो तो आ ही जाता है, पर ज्यादा नहीं आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक दो की कोई दिक्कत नहीं है। कभी उंगली में सही टपक गया, देखिए अभी टपक गया, देखा आपने, हो जाता है ऐसे, एक दो नहीं, ज्यादा बूंदी नहीं होना चाहिए, एक दो तो जितना भी मर्जी एक्सीडेंट आदमी हो, एक दो तो आता ही आता है। वो डिपेंड करता है अगर आपने घोल पतला बनाया होगा तो पक्का ही जाना जाना है। ज्यादा घोल पतला हो जाएगा तो खाली बूंदी छनेगी, फिर रायता बनाने में आसान हो जाएगा। फिर आपको रायता आसानी से बन सकता है घर। तो ये देखिए किस तरीके से हम आलू चॉप डाल रहे हैं। तो इसको एक मिनट के बाद हम थोड़ा सा खिसका लेंगे, जगह चेंज करेंगे, नहीं तो कहीं ज्यादा करारा हो जाएगा और कहीं कम करारा हो जाएगा। भाई देखो कितने बढ़िया लग रहे थे जब तेल में से हल्के से निकले ऊपर, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। अब इसको जो पहले डाले हैं उसको एक बार पलट देंगे, इससे दीवार से लगा के पलट देंगे, और ये थोड़ा सा जो पहले का बाद का है वो थोड़ा सा इसको हो जाने देंगे। तो ये देखिए हमारा आलू चप बन के हो गया है तैयार, इसको हम निकाल देते हैं। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे गाँव में आलू चप बनता है तो उसमें फूड कलर डालते हैं, रेड ऑरेंज फूड कलर, तो उससे ज़्यादा कलर ही दूसरा तरह का दिखता है। तो आप चाहें तो अगर उस तरह का आपको खाना पसंद है तो आप रेड ऑरेंज फूड कलर डाल के बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आलू चप हमारा बना हुआ है। ठीक है, हमारा भाई देखिए इधर खा रहा है, और अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं ना तो जो अनिता जी की दुनिया चैनल है ना उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना पापा। अनिता जी की दुनिया पे हमारा पूरे दिन हमने क्या बनाया, क्या खाया, क्या करा, वो सारा कुछ है। देखो वैसे हम सारा बना लेते हैं, फिर आलू चॉप हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ये ध्यान रखें अगर पतला है तो थोड़ा सा मिला, देख लीजिए आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह से, ये मोटा है, थोड़ा मोटा होना चाहिए इसका तभी ये बढ़िया से बन पाता है। देखिए कुट चढ़ गया है, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, घुमाने के बाद हम इसी में डाल देंगे। आँच थोड़ा सा तेज है, इतना ही तेज होना चाहिए, पूरा तेज भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम सारे आलू के पकौड़े बनाएंगे, तो इसी तरह से सारा हम टमाटर के पकौड़े बनाएंगे। इतना बड़ा कढ़ाई में हम चार टमाटर डालेंगे, बड़ा बड़ा, छोटा हो तो छः सात भी इसी में आ जाएगा, तो हम चार पाँच डालेंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा दो चक्कर कम से कम हम बनाएंगे इन टमाटरों में। एक तरफ से बढ़िया से हम पक जाने देंगे, कम से कम एक से दो मिनट तक हम इसको पक जाने देंगे, तब इसको हम पलटेंगे। तो देखिए चार से पांच टमाटर हम डाल दिए हैं, अब इसको हम छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। इसको डाले हम एक मिनट हो गया पकौड़े को, अब इसको हम अलट पलट सकते हैं, तो इसको अलट देंगे इस तरह से, दीवार में लगा के पलटे, नहीं तो ये छीटा आपके ऊपर आ सकता है, और नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे कर देंगे। तीन तो मैंने पलट दिया टमाटर, अब दो का देखते हैं कि ये नीचे का हिस्सा ऊपर है कि नहीं, तो इसका भी हिस्सा हम पलट दिए हैं। अब फिर इसको तेल में हम डुबा देंगे, अब इधर का हिस्सा नहीं पका उधर डुबा देंगे। एक कढ़ाई में जो आवाज़ छन छन का कर रहा है तो आप सोच रहे हैं कि इसमें तो हमने पानी डाला ही नहीं है और बेसन का आवाज़ आएगा ही नहीं इसमें पानी। ये जो टमाटर है, ये टमाटर जब पकने लगता है तो इसमें से पानी छोड़ता है, इसमें से वही आवाज़ कर रहा है छन 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 का।
रोटी। तो देखिए हमारा टमाटर का पकौड़ा बन के हो गया है तैयार, इसको हम निकाल देते हैं, प्लेट में डाल देंगे, इस तरह से डालते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारा टमाटर के पकौड़े बना देंगे। तो पकौड़े हमारा ये भी बन के तैयार हो गया है, तो इसको भी निकाल देते हैं भाई। ये तो एकदम बहुत बढ़िया तैयार। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है हमारा, ये देखिए। तो यहीं पे हम थोड़ा सा आलू भी ऐसे छान लेंगे, ऐसे ही आलू छान लेंगे। अगर आलू नहीं बनाना है आपको तो एक प्याज काट के बेसन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बेसन बचेगा ही बचेगा। हाँ। क्योंकि डीप करने में बेसन ज्यादा चाहिए। तो आलू को हम पकौड़े बना देते हैं। और चलो भाई सर्विंग करके दिखाओ दोस्तों को। ज्यादा सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ये तो बनता रहेगा इसका, तो कभी प्याज डालो कभी आलू डालो, तो बनाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे टमाटर के पकौड़े कितने बढ़िया और कितने मस्त बन के रेडी हुए हैं। और यहीं पर हमारे जो आलू चॉप हैं उनको भी देखिए, आए हाय 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 क्या भाई, देख रहे हो क्या बढ़िया है। और चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलते हैं हम टमाटर के पकौड़े सर्व करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, तो बड़े बड़े हैं, एकदम बड़े बड़े टमाटर के पकौड़े हैं। थोड़ी सी इसमें हम आलू चॉप ले लेते हैं, आलू चॉप भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आ गई एकदम स्वादिष्ट चटनी। आप दोस्तों चटनी ज़रूर बनाएं, रोटी के साथ ही खाएं, पर चटनी एक नंबर लगती है। टमाटर मिर्ची और लहसुन डाल के बनाएं। और यहीं पर हमने जो आलू के पकौड़े बनाए थे वो भी ले लिए हैं गर्मा गर्म। अब बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है प्याज। तो प्याज भी आ गया हमारे प्लेट में, और चटनी के साथ खाएंगे प्याज, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए कितने सारी हमारी प्लेट तैयार हो गई है। तो ये सारी प्लेटें हो गई हैं तैयार, और आपको एक दिखाते हैं हम काट के, टमाटर वाला पकौड़ा काट के। तो ये देखिए क्या बढ़िया और कितना मस्त टमाटर का पकौड़ा। इसको एकदम एकदम आसानी से कटेगा, क्योंकि टमाटर हो जाता है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए एकदम आराम से काटिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब आप आपको दिखाते हैं खोल के, और ये देखिए क्या स्टफ है। ओहो क्या बढ़िया लग रहा है ना, एक फोटो खींच लेते हैं इसकी। और ये हो गई हमारी खाने के लिए तैयार, और आपको एक और डिजाइन दिखाते हैं हम, उस तरीके से भी आप काट सकते हैं। हाँ ये दोस्तों एक गोल डिजाइन है, यही बहुत प्यारी दिखती है खाने में। एकदम सॉफ्ट हो गया अंदर से, देखिए कितने बढ़िया लग रही है। ये देखिए, ये देखिए, इसे कहते हैं ना भाई टमाटर के पकौड़े। तो ये आ गई दोस्तों हमारी गर्मा गर्म चाय। पकौड़े आ चुके हैं प्लेट में, अब जाएंगे पेट में, छोटा सा पेट में जाके। देखिए दोस्तों कितना करारा टमाटर का पकौड़ा है, और साथ में काहे 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 ये आलू चॉप, आलू के आलू चॉप। बिहार में बहुत बनते हैं, बिहार का फेमस, और इसको खाने में भी बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम आपको खिला देते हैं। हाँ दोस्तों खिला देते हैं आलू चॉप। देखिए दोस्तों ये बिहार का है डिश, देखिए इसको कैसा अंदर से ऊपर से क्रिस्पी होता है, अंदर से ना वाह मजा आ जाता है। देखिए देखिए काफी सॉफ्ट है। हाँ ये देखिए इसका जो लेयर होता है ना चटनी के साथ डुबो के, अब फिर खाने में मजा आता है। चलिए दोस्तों खाकर आपको बताते हैं कैसा बना है। टमाटर के पकोड़े ट्राई करते हैं कैसे बने हैं, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी फीलिंग है। और इसको हम अपनी टेस्टी चटनी के साथ लगाएंगे, और एक दो प्याज ऊपर डालेंगे, और फिर इसको खा जाएंगे। और सबसे पहले आप लोगों के लिए मुंह में घुल जाता ही है। हाँ। अपन तो प्याज भी लगा लिया ऊपर। तो भाई यही तो स्टाइल है लाला जी का। लेकिन हम कैसे खाते हैं आलू चॉप को बिहारी स्टाइल में, वो आपको दिखा देती हूँ। दिखाइए 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 आलू चॉप। ये रहा, और ये क्या है? ये तो रोटी है। ये देखिए हम लोग खाते हैं बिहार में इस तरीके से। हम तो नाश्ते में चाय के साथ ऐसे खाते हैं, ऐसे रोटी ले लेंगे इसको तोड़ तोड़ के खाएं, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है। चलिए दोस्तों आपको ये भी खा के बता देता हूँ, ये है आलू चॉप, बिहारी फेमस आलू चॉप। यहाँ पे हम इसको तो भाई लोग कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया बना है। हाँ भाई चाय के साथ जब हम खाएंगे पकौड़े तो बढ़िया लगेगा। बढ़िया भाई खाओ।
टमाटर का पकौड़ा ना मुंह में लग रहा है कि मलाई हो जा रहा। और यहाँ पर भाई पापा खा रहे हैं भाई चाय के साथ पकौड़े। तो दोस्तों आप भी बनाइए और अपने घर पे खाइए पूरा फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और इस तरीके से। तो कैसे अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हमारे पूरे परिवार से मिलना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूले दोस्तों टन टन वाला। तो जो जो लाइक का बटन दबाएगा ना उसको मैं ये वाली प्लेट ना उनके घर जाकर देकर आऊंगा। ठीक है तो फटाफट लाइक का बटन दबाना। ठीक है हम कर रहे हैं भैया। और अभी आप क्या अभी भी लाइक नहीं कर रहा है तो कर देना भाई। हाँ कर देना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का हमारा ये भरवा टमाटर? स्पेशली लाला जी बनाते हैं अपने ढाबा पे कस्टमरों का टूट पड़ जाता है। हाँ लेकिन आजकल तो ढाबा क्लोज है तो घर पे ही जब घर पे टूट रहे हैं भाई। जब मिस्त्री घर पे हैं तो किस बात का देरी, बनवाओ खाओ मजे लो। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।